हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स जिनने भी नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया है और फाइनली जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, तो आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है नीट 2021 के लिए कैटेगरी वाइज कितनी जाने वाली है। तो गाइज, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ काफ़ी कम तक भी जाती है, जो लास्ट राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अगर वहाँ तक देखा जाए तो। ठीक है, मैं ओनली यहाँ पर बात करूँगी स्टेट कोटा के थ्रू जो 85% रिजर्वेशन होता है उसके थ्रू जो कट ऑफ जाने वाली है एक्सपेक्टेड स्टेट वाइज और स्टेट कोटा के थ्रू कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम जो भी ऑफिशियल नोटिस होगा उससे रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, उनसे रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। और आपका कोई भी डाउट होता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ जाननी है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड वीडियो जरूर मिलेगी। अब देखिए, हम चलते हैं कि सभी स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड क्या मानी गई है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने लिया है कर्नाटका स्टेट। तो कर्नाटका की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी मानी गई है, सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो अनरिजर्व की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 450 to 460। गाइज, आपको याद रखना है ये मैं स्टेट कोटा के थ्रू बता रही हूँ, आपको ऑल इंडिया कोटा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है। कर्नाटका स्टेट में अनरिजर्व स्टूडेंट की यदि मार्क्स 450 to 460 इन बिटवीन है या फिर इनसे अबव मार्क्स है तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन जो होगा श्योर होगा। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 440 to 445 एक्सपेक्टेड मानी गई है। एससी कैटेगरी में 330 to 340 और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 400 to 410 ये एक्सपेक्टेड मानी गई है कर्नाटका स्टेट के लिए। तो गाइस, इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट आपकी सिक्योर है एकदम। नेक्स्ट स्टेट अगर मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 470 to 480 एक्सपेक्टेड की गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 to 405, एससी कैटेगरी 400 to 405 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 330 to 340 एक्सपेक्टेड मानी गई है। ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट का है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा स्टेट की, तो त्रिपुरा की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 480 to 490। देखिए, ये जो मैंने डेटा बनाया है ये पेपर के लेवल को देखकर बनाया है, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसको देखकर बनाया गया है, उससे लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी गई है, कितने स्टूडेंट्स उस एग्जाम में अपियर हुए थे, कितनों ने क्वालिफाई किया, कितनी एक्सपेक्टेड गई थी, कितनी एक्चुअल कट ऑफ गई थी, वो पूरा एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ बनाई गई है। अब देखिए, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जा रही है 400 to 405। यदि आपके इतने मार्क्स आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों के लिए सिक्योर है स्टेट कोटा के थ्रू। एससी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 330 to 340, एसटी कैटेगरी 330 to 340 एक्सपेक्टेड मानी गई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए मणिपुर स्टेट की, तो मणिपुर में अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड मानी गई है वो 480 to 485, ओबीसी कैटेगरी 400 to 405, एससी कैटेगरी 330 to 335 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 330 to 335 एक्सपेक्टेड मानी गई है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों की सीट बिल्कुल सिक्योर है, इतने मार्क्स होने ज़रूरी है, इससे कम मार्क्स पर प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन हो सकता है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं सिक्किम स्टेट की बात करूँ, तो सिक्किम की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मानी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 to 510। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की जो
एक्सपेक्टेड कट ऑफ 500 to 505 मानी गई है, एससी कैटेगरी 405 to 410 मानी गई है और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 360 to 370 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार की बात की जाए तो अंडमान निकोबार में अनरिजर्व कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 600 to 610 है एंड एससी कैटेगरी 500 to 510 और एसटी कैटेगरी की 480 to 490 एक्सपेक्टेड मानी गई है। तो गाइज ये थी स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो रिमेनिंग स्टेट्स है उनसे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब मैंने पूरे स्टेट्स कवर कर दिए हैं, इनके अलावा आपको कोई और स्टेट चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसके अंदर बाकी सारे स्टेट्स आपके आ चुके हैं। ठीक है गाइज, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू गाइज़।